नमस्कार, मैं प्रदीप एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शोकन डायरी फार्म पर। आज का वीडियो हम लेके आए हैं गांव डुमरखा कला से, भाई अंकित के यहाँ से, जिला जींद से। एक सेकंड टाइमर आपको शानदार क्वालिटी की जोटी वीडियो में दिखाएंगे। सभी पशुपालक भाई से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और जो पशुपालक भाई चैनल पर पहली बार आया है, वो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पांचवें घंटी वाला बटन दिया है उसको भी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो युवा पशुपालक भाई अंकित है हमारे साथ, भाई साहब से बात करते हैं। राम राम भाई साहब। और भाई साहब बढ़िया है? भाई साहब थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। भाई साहब इससे जो टीवा डिटेल से बताएं एक बार। अच्छा सेकंड टाइम मेरा जी। अच्छा 3 दिन की ब्याई है, ठीक है। इनके खीसे खाली कर दिए हैं, खीसे खाली करके 13 किलो दूध स्टार्ट की है। अच्छा जी, 13 किलो से स्टार्टिंग हुई है, और देख सकते हैं इसकी क्वालिटी आप सिंगों की, बिल्कुल ड्रिंग सिंग की, और प्योर जेड ब्लैक है। पीछे से आपको मैं दिखाऊंगा फुल हाइट और लेंथ की, और वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको इसको चला के भी दिखाया है। और 13 किलो दूध देखो अभी फिलहाल मौके पर तैयार है, 3 दिन की ब्याई है। तो देखिए अल्डर क्वालिटी आप देख सकते हैं, और फुल हाइट और लेंथ की है। तो देखिए जी भाई साहब, आप भाई साहब साथ में बच्चा क्या है? साथ में मेल काफ है भाई। अच्छा मेल काफ है साथ में, ठीक है जी भाई साहब। तो मेल काफ साथ में है, आपको दिखा रहे हैं। बचवाई वगैरह कैसी है? जमाई एक नंबर की, चाहे कोई बाल काट ले, चाहे कोई लेडीज काट ले, कोई भी निकाल सकते। अच्छा जी, और वो बात भाई साहब 13 किलो आज फिलहाल मौके पर दूध तैयार है, तो बेशक अपनी जो चुवाई करना चाहे तो भाई चुवाई कर सकता है, बिल्कुल दो टाइम चुवाई करे, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल कांटे के तौर का 13 किलो दूध आज मौके पर तैयार है। तो देखिए आपको हम दोबारा दिखाएंगे, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी का पशुधन भाई साहब रखते हैं। और 13 किलो दूध देखो आज तैयार है, तो कितना दूध की उम्मीद है भाई साहब, कितना दूध निकाल देगी? 18-19 किलो की उम्मीद है भाई साहब। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइमर में अपने पास थी? हाँ जी भाई। अच्छा फर्स्ट टाइमर में कितना निकाला भाई साहब? 16 किलो दूध निकाला। अच्छा फर्स्ट टाइमर में 16 किलो दूध निकाला है, तो की बार उम्मीद है 18 किलो तक जाएगी? पक्का जाओगी भाई। अच्छा जी भाई साहब, तो देखो 3 दिन में आपने बता रहे हो 13 किलो तैयार है, तो 18 किलो तक तो आराम से चली जाएगी। तो देखिए जी भाई साहब, बच्चा को कहाँ पे साथ में जी? एक बार बच्चा वहाँ पर है भाई जी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चा भी साथ में जो है। तो ये देखिए जो बच्चा साथ में है, मेल काफ है, आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए जी, और ये देखिए बिल्कुल ताज़ा ब्याह पशुधन, और 3 दिन की ब्याई, 13 किलो दूध मौके पर तैयार है। भाई साहब का तो मोबाइल नंबर है वो मैंने दे दिया। हाँ जी, तो देखो इसीलिए मैंने बच्चा आपको ये देखो ये देखिए जी, बिल्कुल अभी तक बिल्कुल जैसा है, जो दांतों से पता लग सकता है पशु, जो पशु कितने दिन का ब्याह, बच्चा कितने दिन का है। तो 3 दिन की ब्याई है, 13 किलो दूध तैयार है। भाई साहब का जो मोबाइल नंबर है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, तो जो भाई इच्छुक हैं वो ऊपर जो नंबर दिया है उस पर संपर्क कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अच्छा जी भाई साहब, रेट मौके पर होगा भाई जी? रेट तो अच्छा मौके पर रेट होगा इसका, ठीक है जी भाई साहब। तो रेट देखो साथ में आज का कोई रेट नहीं है? ना आज का कोई रेट नहीं है। अच्छा जी, तो देखो रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा दूध की उम्मीद है देखो कि 4-5 दिन के बाद अगर सेल होती है तो दूध और ज़्यादा निकाल देगी। बिल्कुल भाई जी, तो उसके बाद तो देखो रेट अलग ही होगा। ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं भाई साहब ने बताया कि रेट मौके पर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से दूध बढ़ाएगी देखो रेट भी इसका साथ साथ में बढ़ेगा पशुधन का, वो आम सी बात है। तो देखिए जी, सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता की।